एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज है 29 मई 2020 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक न्यूज़ से जितने भी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा देखें क्योंकि सारे ही न्यूज़ सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए गाइज देखते हैं कि आज का हमारा पहला न्यूज़ क्या है। तो पहला न्यूज़ है निधन से रिलेटेड। पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक जिनका नाम है मुज़्तबा हुसैन, इनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध उर्दू के लेखक, हास्य और व्यंगकार भी थे। इन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी और इनकी साहित्य जीवन की शुरुआत हुई थी विरासत सियासत से। सियासत दरअसल एक प्रमुख दैनिक अखबार था हैदराबाद का। आपको बता दें कि हुसैन को वर्ष 2007 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है आर शनमुगम, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ इंश्योरेंस कंपनी से। तो ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बना दी गई हैं एसएन राजेश्वरी। आपको बता दें कि एसएन राजेश्वरी को बीबीबी के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का महाप्रबंधक बनाया गया है। बीबीबी का फुल फॉर्म है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। आपको बता दें कि एसएन राजेश्वरी जो कि ए बी गिरिजा की जगह लेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इन न्यूज़ से रिलेटेड। जैसे कि राजेश्वरी पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंट है और IOIC का जो ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, NDB बैंक से रिलेटेड है। NDB बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मार्को स्ट्राइजो, ये ब्राज़ील के हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NDB बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की विशेष बैठक के दौरान इन्हें चुना गया है और इस बोर्ड ये जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण ने। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व किया था निर्मला सीतारमण ने। और मार्को स्ट्राइजो जो कि 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें गाइस कि NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में भारत के अनिल कुमार को चुना गया है। वर्तमान में जब हम बात करते हैं NDB बैंक के उपाध्यक्ष और CRO तो ये हैं सर्विस JB। तो सर्विस JB के पद से हटने के बाद जो अगले NDB बैंक के उपाध्यक्ष और CRO बनेंगे वो हैं अनिल कुशोर। ठीक है, बात करते हैं NDB बैंक के अध्यक्ष की। तो NDB बैंक के अध्यक्ष हैं KV कानत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब आप पूछेंगे कि MOU क्या है। तो MOU का मतलब है कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम। तो फ्लिपकार्ट ने किसानों को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौते पर साइन किया है। दोस्तों बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, तो जानते हैं कुछ फ्लिपकार्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो डिफेंस से रिलेटेड है। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। बता दें कि इस स्क्वाड्रन का संचालन एयर चीफ मार्शल ASK भदौरिया ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस नए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये जो विमान है यह एक एकल इंजन विमान है, हल्के वजन का है और सभी मौसम में काम कर सकता है। सबसे खास बात ये है इस विमान की कि ये हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा न्यूज़ 29 मई 2020 का। यदि आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।